हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत स्वागत है हमारी चैनल में। हमारे इस चैनल का पहला कुकिंग वीडियो है गाइस ये। आई होप आपको पसंद आए। गाइस, आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले आप ऐसे आटा तैयार कर लीजिए। इसमें डालिए नमक और आपके स्वाद आपके अनुसार कोई भी मसाला जो आप डालना चाहें, गर्म मसाला, मिर्ची, कुछ भी। और बस ऐसे आटा तैयार कीजिए और उसके बाद चलिए इसे बेलते हैं। रोको, पर आटा लगाने के बाद गाइस ऐसे लोई बनाइए, ऐसे इतनी बड़ी लोई ऐसे बेल लीजिए जैसे आप रोटी बेलते हैं। बस थोड़ी हल्की सी मोटी रखेंगे, एकदम पतली नहीं रखेंगे। जैसे रोटी एकदम पतली होती है वैसे नहीं, बस हल्की सी मोटी। आपको बड़ी सी रोटी बना लेनी है। और गाइस एक और चीज़, ये जो गिलास दिख रहा है, ये गिलास बहुत काम करेगा, बहुत काम। हाँ, माने इसके बिना वो बन ही नहीं सकता। ऐसे शार्प वाली चाहिए आपको। हाँ, एकदम शार्प गिलास, कटोरी, कुछ भी। और उसके बाद इसे करेंगे हम कट। रुद्र कट करेगा, आपको दिखाएगा रुद्र कैसे कट करता है। आप इसे ऐसे काट लीजिए, फिर ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाइए, हल्का सा घुमा दीजिए। एक तैयार, आप दूसरी, और फिर हाँ वेरी गुड, तीसरी रुद्र ने कट कर ली, और चौथी, हाँ अब चौथी भी रुद्र ने कट कर ली। बस पांच नहीं हो पाएगा। अब इन चारों को निकाल लीजिए। देखिए रुद्र निकाल रहे हैं आराम से। ओके, ये बन गया। बचा हुआ आप इसमें डाल दीजिए, दोबारा से फिर बेल लीजिएगा। ओके, अब रुद्र इसकी फूल बना के दिखाएंगे। रुद्र फूल बनाए, दिखाइए कैसे बनाते हैं। हाँ वेरी गुड, ऐसे और फिर सारी मानी थोड़ा ज़्यादा इक्वल रखना ऐसा, और बीच में से ऐसे। देखिए फूल तैयार। ये कितना इजी है, और रुद्र कितने आराम से बना लेते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल बनाते हैं रुद्र। वो ये रेडी सेकंड फूल। अब थर्ड, ये ऐसे फोल्ड कीजिए, बराबर इक्वल कीजिए, दोनों आपस में मिला दीजिए। बस तैयार है ना रुद्र। सो इजी। और गाइस, गलती से भी ये चिपक जाते तो फिर आप इसको वापस खोल दिया करो। हाँ, खोलेंगे तो प्यारा दिखेगा, फूल फूल फ्लावर। ऐसा चिपका चिपका बहुत घटिया लगता है, बहुत ज्यादा, माने बहुत ज्यादा। अब ये सारे फूल हो गए तैयार। यस, देखिए गाइस ये सारे के सारे रुद्र के तैयार फूल। अब इसके आगे की हम प्रोसेस दिखाते हैं आपको, जस्ट अ सेकंड। मजा आया रुद्र आपको फ्लावर बना के? बाकी का प्रोसेस हम बाद में दिखाएंगे। और गाइस उसके बाद आप ऐसे कढ़ाई चढ़ाए और दाल को रेडी करेंगे। इसमें डालेंगे तेल, एक छोटी चम्मच जीरा, और एक चम्मच राई। और गाइस देखिए राई चटक गई है ना। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, हल्का सा लहसुन हो जाए, फिर डालेंगे दो तीन हरी मिर्ची, और उसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग। बस अब जो हम इसके लिए मसाला तैयार किए हैं वो डालेंगे, प्याज, टमाटर, अदरक, ये सब लोग पाके ही डालते हैं, लेकिन मैं पीस के डाल दूँ जिससे ये मुँह से आएगा नहीं। तो इसमें था लहसुन, अदरक, टमाटर, बस उसी का पेस्ट है। प्याज नहीं डाली, हल्का मीठा मीठा सा हो जाता है, प्याज नहीं डाला मैंने। और ये हो गए मसाला तैयार। अब इसमें डालेंगे गाय थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, हल्का सा धनिया,
और इसे थोड़ा सा पकने देंगे। प्यारा सा कलर आने तक इसे भून लेंगे। ये दाल का छोका है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसे आप घर में दाल छोकते हैं बस ऐसे ही दाल छोकना है। अब गाइस क्योंकि ये मसाला तैयार हो गया, इसमें हम डालेंगे बहुत ही खास चीज, एक चम्मच भर के घी। फिर इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। बस गाइस सब जा रहे हैं, ये मसाला तैयार हो गया गाइस दाल के लिए। अब इसमें हम डालेंगे दाल। नॉम नॉम। ये है गाइस मक्की का दाल, ये गाइस मसूर का दाल, मैंने मसूर की दाल में बनाई है आज की ये डिश। आप इसको थोड़ा सा पतला कर लें क्योंकि मसूर की दाल बहुत गाढ़ी हो जाती है बॉयल होने के बाद। अब ये जाएगी हमारे तैयार की हुई मसाले के अंदर। ये गई मसाले के अंदर दाल, अभी भी गाढ़ी है तो थोड़ी सी इसमें हम पानी डालेंगे। गाइज अब ये दाल को पकने देंगे, जब इसमें बॉयल आएगी तो हम इसमें डालेंगे जो हमने आटे की फूल बनाई थी उसे। तो अभी इसे थोड़ा बॉयल आने देते हैं। देखिए ये हमारी फूल वेट कर रही है दाल में जाने का। जब ये दाल में जाएगी कितनी प्यारी लगेगी, कुछ सेकंड में तैयार हो जाएगी गाइज ये डिश। फिर आप ट्राई कीजिएगा, टेस्ट करके बताइएगा कैसी बनी। और देखिए यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है दिख रही है करेला, बन रही है करेला। और आलू इसकी रेसिपी हम और एक दिन आपके साथ शेयर करेंगे। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती और बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल रोटी के साथ, बहुत 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 टेस्टी। हम करेला तो करेला आलू बनाना है ही होगा। और रुद्र को ये बहुत पसंद है, चीनी पसंद। और गाइस अब हम लोग डालेंगे फूलों को। नुम नुम। पहले इसमें थोड़ा झाग हो गया है, इसे निकाल देंगे। गाइस अब दाल में जब भी ऐसा झाग हो इसे ज़रूर निकाल दें, इसे नहीं खाना चाहिए। क्यों मम्मा? इसमें जो भी सही पोस्ट नहीं रहता वो निकल जाता है, मतलब मसूर दाल में हमेशा ऐसा निकलता है, बहुत सारे दालों में निकलता है। तो ये झाग को निकाल देना चाहिए क्योंकि ये यूजेबल नहीं है, हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं देता। और साथ ही साथ में नुकसान करते हैं? नुकसान करता है, मोटा कर देता है हमको, फैट है। बस फैट निकाल देंगे इसमें से गाइस, ऐसे पूरी झाग निकाल दें आप, रोटेट कर देंगे ठीक है। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया की ताजी ताजी पत्ती। नम 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 टेस्टी टेस्टी और खुशबू से भरी हुई पत्ती। और इसके बाद आप हम डालेंगे इसमें नमक। अब जाएगी गाइस इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है मामा और बन गया दाल की फूल। अब इसमें डालेंगे हम लोग फूल फूल फूल। ये देखिए ये फूल, अब डालूंगा धीरे से, डालना धीरे से धीरे से। हाँ बस मम्मा आप पकड़ो ना, मैं डालू ठीक से डालना, हाथ मत जलाना ओके। नहीं है यहाँ से डाल, हाँ एक डर तो नहीं है बाबा, धीरे से डाल दो ठीक है, चल डालो। ये देखो ऐसे लेना है, ऐसे छोड़ देना है, वो अपने हाथ में थोड़ी आएगा, तुम जोर से फेंकोगे तभी हाथ में आएगा ठीक है। ऐसे डालते जाओ। और ये फ्लावर करेगी स्विमिंग 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 स्विमिंग।
थोड़ा सा ये फ्लावर पक जाए उतने देर इसे पकाइए, एक आ जाए आँच आ जाए तक इसे हल्का सा ढाक देते हैं, फिर हमारी डिश रेडी। गाइस अभी हम दिखाने वाले हैं कि कैसी बनी है दाल की फूल, तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं। ये देखिए वो सब ऊपर आ गई, मतलब ये पक गया गाइस। इसको एक और चोखा लगा दूं क्या? चोखा माने बघार देती हूँ, डबल तड़का, ठीक है गाइस। अभी हम इसको एक और तड़का लगाएंगे और वो तड़का लगाएंगे घी, हींग, जीरा और मिर्ची का, वैसे सूखी मिर्ची का लगाइएगा आप। यहाँ डालेंगे सबसे पहले एक चम्मच घी, ओके घी गर्म हो रहा है, इसमें डालेंगे छोटे में सबसे पहले जीरा, देखो जीरा, देखो जीरा फड़फड़ा रही है, फड़ 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 फड़। और जीरा के बाद डालेंगे थोड़ी सी राई, ये राई, ठीक है राई में से आवाज आएगी चट चट चट, फिर उसमें डालेंगे हम हींग, थोड़ी सी हींग, सही है। तड़का इज रेडी, और क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कलर आने वाला है इसलिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर, अभी इसे जल्दी डालेंगे काला हो जाएगा। अभी इस तड़के को डालेंगे कढ़ाई के अंदर, ओ ओ ओ नम नम नम, पक्का पक्का है, देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है। ओ शिट मामा गिरने वाला था गाइस, और गाइस देखिए ये है फाइनल लुक हमारे दाल फूल का फाइनल लुक, क्योंकि हमने इसमें डबल तड़का लगाया तो कितना प्यारा कलर आ गया है, कितना ही मस्त लग रहा है। अब रुद्र को देते हैं, रुद्र टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी और नमक कैसा है। चलिए गाइस टेस्ट करते हैं, टिपी टिपरी टिपरी टी, मम्मी पीपी कर लेगी, एकदम अमेजिंग दिख रहा है गाइस फूल, वाह कितना प्यारा लग रहा है ये फूल, और इस फूल को हम खा जाने वाले हैं। रुद्र टेस्ट करके बताइए कैसे बनी है दाल की फूल, आ जाओ। नमक वमक ठीक है कि नहीं, खट्टाई कम तो नहीं है, ओके तो फिर हम इसमें डालेंगे खट्टाई, चलो तेत करो तेत, लेकिन बहुत गर्म होगी सो होती 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 होती। और गाइस रुद्र को हो गया बुखार, बताइए एग्जाम के टेंशन से रुद्र को आ गया बुखार, OMG नहीं गाइस ये सीजन ही ऐसा है, इस सीजन में सभी बच्चों को बड़ों को सबको बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, सीजन बदलता है तो बच्चों को बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाती है। गाइस सुबह सुबह बहुत हालत खराब हो रही है गाइस, मेरे को ना 3 बार उल्टी आई है ना, एक बार वो एक स्कूल में एक बार आ रहा था तब सीधा उल्टी हो गई, अब माने मुझको कुछ लगा भी नहीं था, मैं कुछ ठंडा खाया भी नहीं था, मैं जस्ट आया ऑटो से बाहर निकला फिर ऊपर गया स्टेयर के, तभी मेरे को थोड़ा अजीब लगने लगा और निकल गई उल्टी। हाँ गाइस, और इस समय बाहर का बच्चों को कुछ भी ना खिलाएं क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है, बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब होती है। चलिए गाइस इसको टेस्ट कीजिए, रोटी बहुत गर्म है देख के टुकड़ा कर लो ना, अरे हाथ से नहीं चम्मच से कर लो, बनाने का मतलब है। अच्छा तो पूरा फूल खाना चाहते हो, ठीक है पूरा खा लो, सॉरी इसीलिए तो कहा था गर्म है ना, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो आप पूरी फूल को खा जाइएगा गपक, अभी थोड़ी सोटी सी खाइए। बुद्धे उद्धे हो गए रुद्र। ये क्या था, गया अंदर फिर वहां, कैसा लगा टेस्ट? बहुत टेस्टी, नमक ठीक है, परफेक्ट है, अब तक मैं तो नहीं पता, मैं तो मेरे को तो ठीक
ठीक लगता है हमेशा। हाँ तो ठीक है, आपको ठीक लग रहा है तो। गलत बोल दिया तो? गलत बोल दिया तो बाद में डाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दाल है ना, इसमें तो कभी भी हम नमक मिक्स कर सकते हैं। ओके, डोंट टू वरी, बी हैप्पी। तो गाइज आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा अपने घर में, ये बहुत जल्दी बन जाती है। और आप ट्राई कीजिएगा गाइस, ये बहुत जल्दी बन जाती है, बस दाल बघारिए, फूल डालिए, हो गया, सो इजी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए, थैंक यू। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, थैंक यू गाइस, बाय।